अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोबल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। तुम कयामत से कयामत तक कोशिश कर लो, दादी कभी नहीं मानेगी, क्योंकि तुम्हारी दादी मुगले आजम से भी ज्यादा खतरनाक है। वो सलीम और अनारकली का मिलन नहीं होने देगी। सुनो सुनो जी, एक खबर है बिल्कुल ताजी, मिलजुल के हम सब दे देती है ये बाजी। बोरे बोरे गाल पे गुस्से की लाली, नखरे वखरे छोड़ दे कुड़िये बेताली। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई बड़ा बैनर किसी न्यू कमर को लॉन्च करता है तो ये जरूरी नहीं है कि उस फिल्म के बाद वो स्टार बन जाए। किस्मत और मेहनत पे डिपेंड करता है, और आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं करने वाला हूं, उन्हें मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर देव साहब यानी देव आनंद ने फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो स्टार नहीं बन पाई, फिल्म इंडस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा बन के रह गई, और वो है द ब्यूटीफुल मिंक ब्रार। अरे तू क्या जाने, तेरे बगैर तो एक एक पल एक एक दिन के बराबर होता है। जाना फिल्मी डायलॉग मारती रहती है। अरे धत तेरे की, तुम्हारी लाइफ में रोमांस या प्यार नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? तुम्हारे सामने ये लैला खड़ी है और तुम इस गुली डंडे के साथ खेल रहे हो। फोर्थ नवंबर 1980 में पैदा हुई थी मिंक फ्रैंकफर्ट में, जो जर्मनी में है, एक सिख परिवार में, और उनका एक भाई भी है और उसका नाम है पुन्नू ब्रार। मिंक ने अपनी पढ़ाई लिखाई जर्मनी में की, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और साथ ही साथ उन्हें हिंदी फिल्में देखने का बहुत शौक था। मिंक के पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव थे, वो चाहते थे कि मिंक पढ़ लिख के एक अच्छा सा जॉब करे और अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिंक महज जब 13 साल की थी तो उन्हें पता चला कि देव आनंद साहब फ्रैंकफर्ट में शूटिंग कर रहे हैं, और मिंक शूटिंग देखने पहुंच गई, देव साहब से मिली। देव साहब मिंक की कद काठी और खूबसूरती से बहुत इंप्रेस हुए और फौरन अपनी अगली फिल्म का ऑफर मिंक को दे दिया। मिंक बहुत खुश हुई और अपने पेरेंट्स को मनाने के बाद फ्रैंकफर्ट से मुंबई आ गई। फिल्म का नाम था प्यार का ताराना, जो आई थी 1993 में। अब आंखें खोलो अपनी। कहां से आई ये सब? मेरा एक दोस्त है जर्मनी में, मैंने उसे अपने चंदा के बारे में लिखा तो उसने ये सब भेजा तुम्हारे लिए। इतनी सारी अंगूठियां कौन सी वाली पहनो? जाने के लिए कैसे? ये फिल्म बिल्कुल नहीं चली और मिंक को इस फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ। अलबत्ता मिंक ने कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। मिंक चाहती थी कि वो फिल्मों में लीड रोल्स करें और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई 1999 में। फिल्म का नाम था मां कसम और उसमें मिंक के ऑपोजिट थे मिथुन चक्रवर्ती। बस बस रहने दो, तुम जान क्या दोगे, आज तक जबान तो खोल नहीं पाए। बड़े ठाकुर से बात किया कभी हमारे बारे में? और ये तीसरी काली पूजा आ गई है। इस बार मैं ठान कर आया हूँ कि उनसे मैं जरूर बात करूंगा। जरूर बात करना, क्योंकि अब मेरी उम्र शादी के लायक हो गई है। इस फिल्म से भी मिंक ऑडियंस के दिलों में घर नहीं बना पाई और इस फिल्म के बाद उन्हें लीड रोल्स नहीं मिले, इसलिए मिंक ने फिल्मों में सेकंड लीड रोल्स और सपोर्टिंग रोल्स करने शुरू कर दिए, और वो फिल्में थी ज्वालामुखी
बॉर्डर हिंदुस्तान का यमराज और हम आपके दिल में रहते हैं। और सुनाओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, और अब जब तुम आ गए हो तो और भी ठीक हो जाऊंगी। ओके ओके, सी यू सून। ओके श्योर, सी यू, बाय बाय। व्हाट एन इंटरेस्टिंग गाय। कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स करने के बाद मिंक ने फिल्म इंडस्ट्री में बने रहने के लिए कैमियो रोल्स और स्पेशल अपीयरेंसेस भी की, और वो फिल्में थी राज, डोली सजा कर रखना और अजनबी। इट्स मी। क्या बात है, आज तुम बड़े रोमांटिक मूड में हो। बस इसी रात का तो इंतजार था मुझे। I'm sorry. क्या? खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद मिंक फिल्मों में सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और इसकी वजह यह थी कि उस दौर में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के बच्चे और स्टार किड्स को लॉन्च किया जा रहा था, जैसे काजोल, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर। इसलिए मिंक आहिस्ता आहिस्ता हिंदी फिल्मों से फेड हो गई। तब मिंक ने साउथ की फिल्मों का रुख किया, लेकिन अफसोस वहां भी मिंक को कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों 2006 में मिंक ने सोचा कि मैं किसी की मोहताज क्यों बनूं, क्यों ना मैं एक खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलूं, उसमें फिल्में प्रोड्यूस करूं और एक्ट भी करूं। लिहाजा उन्होंने अपने भाई पुन्नू ब्रार के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला और उस प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा ब्रो एनसिस प्रोडक्शंस, और उसमें उन्होंने एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था कठपुतली, जो आई थी 2006 में। या? इसका मतलब है कि हर छोटी सी चीज के लिए मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी अपने खुद के घर में? मैं उससे तंग आ चुकी हूँ अर्जुन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई कैरी नहीं। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं अपने खुद का ख्याल नहीं रख सकती तो तुम मुझे किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। लेकिन अफसोस ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और ये मिंक की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के बाद मिंक फिल्म इंडस्ट्री से टोटली गायब हो गई, लेकिन 2009 में मिंक ने कमबैक किया टीवी के रियलिटी शोज में, जैसे डांसिंग क्वीन और 2012 में बिग बॉस 6 सीजन में, ये सोच के कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उन्हें देखेंगे और उन्हें फिल्मों में काम मिलेगा। लेकिन अफसोस उन्हें कोई काम नहीं मिला और वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। दोस्तों ज्यादातर फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ यही होता है, वो आते तो हैं सितारा बनने के लिए, कुछ देर चमकते हैं और फिर जर्रे की तरह गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। आज भले ही मिंक की खूबसूरती बरकरार नहीं है, लेकिन मिंक के हौसले बुलंद हैं। वो आज भी काम करना चाहती हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, फिल्म्स हो या वेब सीरीज, अगर उन्हें काम मिले तो ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।